और इन लोग को लगता है कि सब आदिवासी बोका है। इस देश में जितना मूलवासी झारखंड का आदिवासी है सब बोका लोग हैं, अब तो जेल से बाहर भी आ गए। अब क्या करेगा, फांसी देगा क्या? ना जेल से डरा है झारखंड, ना फांसी से डरा है झारखंड, ना गोली से डरा है झारखंड। बाहर चला गया और गद्दी में वो लोग बैठ गया जो लोग इस राज को चूस रहा था, नोच रहा था, क्योंकि पहले की डबल इंजन की सरकार ने तो राज का खजाना को खखोर करके खत्म कर दिया, एक रुपया नहीं बचा, कर्मचारियों को तनख्वाह देने की पैसा खत्म हो गई थी। फिर हम लोगों ने खोजा, कागज पत्र निकाला तो पता चला कि 1,36,000 करोड़ रुपया कोयला का बकाया भारत सरकार लेके बैठा है। और हमने ये संकल्प लिया है, ये तो अभी शुरुआत है, आने वाला 5 साल में आपको किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, हर एक घर में 1,00,000 रुपया पहुंचाने का हम आपको वादा करते हैं। लोगों को तो बेवकूफ बनाता ही है, ये भगवान को भी नहीं बकसते, और नतीजा ये होता है कि लोकसभा चुनाव में ये बहुमत भी नहीं साबित कर पाते। लेकिन अब हमारी बेटी अब घर की बोझ नहीं, बल्कि बेटी हमारी संपत्ति के रूप में घर पे रहेगी और उसका पूरा खर्चा अब राज्य सरकार देगी। तो गति को नई लहा से वीडियो क्लिप बन के जहां हेमंत सरने मेंदा नित जेल खोज उड़ूकना जेल खोज उड़ूक नित इडी वाला और बीजेपी वाला ची नित इनको फांसी से ची नौकान कथा मन है को सारी ओलान तहकना अमर वीर शहादत दिवस जहां गोवा नवा कोल्हान क्षेत्र में नोगे नवा जहां समारोह थेना सत नमन लगी जहां उनको वीर शहीद को नमन लगी हेमंत सरने चला लेना तो नोगे नवा को कथा अमा डेर कथा लैक तो ची को कथा हेमंत सरने लैकान तबना साथ ची को योजना शिलान्यास बड़ा चुबना तो वीडियो हाँ एतह को मुचाद धरी नल तुन पे और ची को कथा हेमंत सरने लैदा दिला उना वीडियो क्लिप बन नेल गी। झारखंड एक देश में अलग पहचान भी रखता है, वैसे तो इस राज को सोना का चिड़िया भी लोग बोलता है और शायद कोल्हान में चिड़िया माइंस भी है, इसको सोना का चिड़िया इसलिए बोलता है क्योंकि इस राज्य में देश का सबसे अधिक खनिज संपदा है। और इस खनिज संपदा के ऊपर बैठे हमारे गांव देहात के लोग देश का सबसे गरीब लोग है। हमसे गरीब इस देश में कोई राज नहीं है, लेकिन प्रकृति ने हमारे इस धरती के नीचे इतना खजाना भर के रखा है। अगर देश की नीति निर्धारण करने वाले सही नीति बनाते तो आज इस राज के लोगों को भूखा नहीं सोना पड़ता, मजदूरी करने के लिए देश विदेश नहीं जाना पड़ता, लोगों को भूखा नहीं मरना पड़ता। और ये मुझे लगता है देश का सबसे अग्रणी राज के रूप में बेशुमार होता। लेकिन बड़े योजनाबद्ध तरीके से हमारे आदिवासी भाइयों को, यहां के मूल वासियों को एक मजदूर बना करके यहां पर रखा गया, और मजदूर इस कदर कि झारखंड तो छोड़ो, अलग अलग राज्य में भी अगर कुछ काम करना होगा तो झारखंड से मजदूर लेके जाओ, ट्रेन में भर भर के लेके जाओ, गैर सरकारी लोग तो लेके जाता ही था मजदूर लोगों को, बल्कि इस देश का भारत सरकार का एजेंसी यहां पर मजदूर को ट्रेन में भर भर के लोड करके ले जाता है। यह स्थिति इस राज्य का बना दिया
जब देश का नीति निर्धारक इस राज्य के जनता को मजदूर बनाने के लिए कसम खा के बैठा हो तो उस राज का क्या हश्र होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उस पे नहले पे दहला जब डबल इंजन की सरकार बैठ जाए तब तो और कहो ही क्या, दोनों हाथों से लूट लो। लेकिन इस राज के आदिवासी मूलवासियों के अंदर जो रगों में खून दौड़ता है वो कभी कभी अचानक ऐसा उफान मारता है कि जो इस तरीके के सोचने वाले लोग हैं उनका माथा खराब हो जाता है। उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि झारखंड में हो क्या रहा है। और इसीलिए हमारे लोग अपने स्वाभिमान के लिए, अपने मान सम्मान के लिए कभी भी कोई समझौता नहीं किया, चाहे उसको फांसी पे चढ़ना पड़ा हो, चाहे उसको गोली खाना पड़ा हो, चाहे उसको जेल जाना पड़ा हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं अपने बीच में भी जो ये लड़ाई लड़ नहीं सकते, राह बदल लेते हैं। लेकिन हम लोग समय समय पर अपनी ताकत को इकट्ठा भी करते हैं और उस ताकत के बदौलत हम अपना अधिकार भी लेते हैं। किसी ने सपना नहीं देखा था कि राज अलग होगा, सब बोलता था कि राज अलग का सपना यहां का आदिवासी मूलवासी देखता, ये लोग तो हड़िया पी करके पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा। बताओ, हंसता था लोग जब हम लोग का लोग आंदोलन करता था। लेकिन राज मिल गया, जब राज मिल गया तब बोला कोई बात नहीं, राज ले लिया तो क्या हुआ, सत्ता थोड़ी चलाने देंगे, सत्ता में तो हम ही लोग बैठेंगे। और सही में ऐसा ही हो गया, राज भी बन गया और सरकार भी बन गई। जो लोग लड़ा मरा कटा वो लोग बाहर चला गया और गद्दी में वो लोग बैठ गया जो लोग इस राज को चूस रहा था, नोच रहा था। फिर वही शोषण, वही मंजर, वही चारों तरफ तकलीफों का, दुखों का पहाड़। फिर हम लोगों ने कमर कसा, 2019 में चुनाव में हम लोगों ने लंबा संघर्ष के साथ आप लोग के बीच में पहुंचने का काम किया और हम लोग 2019 में सरकार बनाए। लेकिन कौन जानता था सरकार बनने से पहले कोरोना रास्ता दरवाजा में बैठा है। याद कीजिए वो दिन 2019 के वक्त जब देश में कोरोना आया, हाट बाजार गाड़ी मोटर दुकान सारा बंद, काम धाम सब, खेती बाड़ी सब बंद, कुछ भी नहीं चलता था, सब अपने से घर में ताला लगा के रहो, ऐसा दिन आ गया। भारत सरकार ने फरमान जारी कर दिया कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा और नतीजा यह हुआ कि अनगिनत लोग, लाखों लोग झारखंड का अपना परिवार का पेट पालने के लिए अलग अलग राज्यों में काम करने के लिए चला गया, वहां का नौकरी से लोगों को बाहर कर दिया, फैक्ट्री से बाहर कर दिया, घर से निकाल दिया, सड़क पर आ गया। ना हवा ट्रेन, ना बस, ना गाड़ी, ना मोटर, ना हवाई जहाज, कुछ नहीं चला। अब आएगा अपना घर कैसे, कोई लोगों को घर में रहने भी ना दे। याद कीजिए उस दिन, यही आपका भाई है
यही आपका बेटा है जो आपके परिवारों को हवा जहाज बस ट्रेन से ढोकर आपके घर में पहुंचाने का काम किया था। इस देश में पहला व्यक्ति हम लोग हैं, हमने ये पहल किया। फिर धीरे धीरे अलग अलग राज्य के लोग सरकारों ने भी अपने अपने मजदूरों को ले जाने के लिए काम शुरू किया। इतना खराब दिन, इतना डरावना दिन कि चलते चलते महिला सड़क में बच्चा पर जन्म दे रही थी, यह हालत था। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, तो उसमें हमने ये भारत सरकार से कहा कि हमको अपना मजदूरों को लाना है, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, हमको परमिशन दो, नहीं दोगे तो हम जबरदस्ती लेके आएंगे। और उसमें हम कोरोना ढो ढो करके लाते थे, और वो दिन ना सरकार भूल सकती है ना हम भूल सकते हैं। मजदूर से भरा ये राज, जहां हमारा मजदूर एक दिन मेहनत नहीं करेगा तो उसका घर का चूल्हा भी नहीं जलता है, रोज खटता है, रोज खाता है वाला जीवन जीता है, लेकिन काम धंधा बंद, सरकार का आदेश कोई काम नहीं होगा, घर में रहना होगा, गरीब के लिए तो ऐसा महामारी अभिशाप हो जाता है। घर के बाहर जाओ तो कोरोना से मरो, घर के अंदर रहो तो भूख से मरो, वो बेचारा करेगा तो क्या करेगा। उस समय हमारे यही महिला दीदियों ने सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला करके गांव गांव, पंचायत पंचायत खाना बना बना करके अपने मजदूरों को मुफ्त में खिलाने का काम करती थी। और उसी समय हमने सोचा था कि इस राज्य की आधी आबादी को हम मजबूत करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे ये समझ में से बाहर हो रहा था, क्योंकि पहले की डबल इंजन की सरकार ने तो राज्य का खजाना को खखोर करके खत्म कर दिया, एक रुपया नहीं बचा, कर्मचारियों को तनख्वाह देने की पैसा खत्म हो गई थी। तब हम लोग भी थोड़ा बहुत प्रयास किए, पुराना हिसाब किताब ढूंढा, और इन लोग को लगता है कि सब आदिवासी बोका है, इस देश में जितना मूलवासी झारखंड का आदिवासी है सब बोका लोग हैं। फिर हम लोगों ने खोजा, कागज पत्र निकाला, तो पता चला कि 1,36,000 करोड़ रुपया कोयला का बकाया भारत सरकार लेके बैठा है। हम बोले अरे वाह, ये तो गजब है, और सब राज्य जहां कोयला निकलता है उसको वो पैसा मिलता है, लेकिन झारखंड को आजादी के बाद आज तक नहीं मिला। पहले तो साफ इनकार हुआ कि कोई बकाया नहीं है, जब हमने सबूत पेश किया, हमने कहा नहीं पैसा मिलेगा तो हम कोर्ट में जाएंगे। फिर थोड़ा लिपापोती हुआ, हाँ चलिए हम लोग मानते हैं कि पैसा राज्य सरकार को मिलना है, थोड़ा बहुत पैसा दिया, जब हम बोले कि और पैसा दो, जब ये मांग तेज होने लगा और 1,36,000 करोड़ रुपया अगर एक मुश्त दे दे तो हमारा इस राज्य का 3.25 करोड़ जनता हर एक व्यक्ति जो आज आप चादर ओढ़ते हैं तो पैसा का चादर ओढ़ते इतना पैसा हो जाता। लेकिन जब हम लोगों ने ये मांग शुरू की तो मेरे पीछे लगा दिया ईडी सीबीआई, लगाना शुरू हो गया झूठा आरोप। 2 साल कोरोना खा गया और 2 साल मेरे पीछे चूहा बिल्ली का खेल चालू हो गया। रोज ये खबर आता था, आज पकड़ाया, आज जेल गया, कल जेल गया, यही होता था।
ये लोग को 2 साल लग गया हम पर झूठा आरोप को तैयार करने में। जब ये लोग नहीं सके तो जबरदस्ती जेल में डाल दो। अब तो जेल से बाहर भी आ गए, अब क्या करेगा, फांसी देगा क्या? ना जेल से डरा है झारखंड, ना फांसी से डरा है झारखंड, ना गोली से डरा है झारखंड। यही तो हमारी इतिहास है। जितना खून जमीन पर गिरेगा उतना वीर शहीद वीर सपूत पैदा लेगा। आज हमने वृद्धा पेंशन मैया सम्मान योजना क्यों चालू किया आपको मालूम है? हमारे सभी मंत्रीगण विधायकों ने बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया, इसके पीछे सोच क्या है? आज भी हमारे गांव में गरीबी इतनी है कि एक बीमारी में बच्चा का पढ़ाई लिखाई में, आज भी हमारा गांव देहात का लोग महाजनों से पैसा लेता है, बिचौलियों दलालों से पैसा लेता है। और हमने ये संकल्प लिया है, ये तो अभी शुरुआत है, आने वाला 5 साल में आपको किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आपको वादा करते हैं। छोटा छोटा 20,000-10,000 रुपया उधारी लेता है और उसका ब्याज ऐसा भर चढ़ता है कि कभी उतरता ही नहीं है पैसा। जिन महाजनों के साथ हम लोगों ने जंग लड़ा, आज वो महाजन अपना चेहरा बदल करके फिर से हम लोगों के बीच में खड़ा है और उसी के खिलाफ ये लड़ाई अभी भी जारी है। ये व्यापारियों की जमात जिसको हम लोगों ने 2019 में उखाड़ फेंका है, फिर से अपना सर खड़ा करने का तैयारी कर रहा है। आज हमारे पीछे, एक मुख्यमंत्री के पीछे हमारे विपक्ष में 7-7 मुख्यमंत्री लगा हुआ है, हमको डिगाने के लिए, कभी जेल भेजने के लिए, कभी झूठा आरोपों में फंसाने के लिए। आप तो पूरा परिवारों को जेल में डालने का कार्य योजना बना रहा है। अभी तो लोकसभा चुनाव में इन लोगों को कामयाबी मिला हमको जेल में डालने का, लेकिन नतीजा ये हुआ कि पूरा राज्य का हमारा आदिवासी भाई, मूलवासी भाई ने इनको ऐसा तमाचा दिया है जहां ये 12-9 पर उतर आए हैं। यही काम लोकसभा में हुआ, पूरा देश के लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा, यही सब कर करके इतना दिग्भ्रमित किया, लोगों को तो बेवकूफ बनाता ही है, ये भगवान को भी नहीं बख्शते। और नतीजा ये होता है कि लोकसभा चुनाव में ये बहुमत भी नहीं साबित कर पाते। तो कई ऐसी चीजें 2019 से पहले आप लोग कभी गांव-गांव पंचायत-पंचायत में पदाधिकारी लोग को जाते देखे हैं? नहीं देखे होंगे। कई लोग अपना पेंशन कार्ड, अपना वृद्धा पेंशन आवास के लिए दलालों का चक्कर काटता था, लेकिन हमने कानून अब ऐसा बना दिया कि अब दलाल खत्म। जो 50 साल होगा सीओ का काम है उसका वृद्धा पेंशन बनाना।
और महिला लोग का तो अनवरत जारी है। हर दिन देखते हैं 10,000-15,000 बढ़ जा रहा है, 20,000 बढ़ जा रहा है। नई महिलाएं जुड़ रही हैं, नई बच्चियां जुड़ रही हैं हर दिन। और होगा, आज 18 साल हो गया, अनेक बच्चियां आज 18 साल हो गई होंगी, कल कई बच्चियां 18 साल की हो जाएंगी। पहले और अभी भी हमारे गांव देहात में बच्चियों को बोझ लोग मानते हैं, 10वां 11वां पढ़ाई नहीं कर पाती है बेचारा, उसके लिए दूल्हा ढूंढता है सब लोग, ब्याह कर दो, भेज दो। लेकिन अब हमारी बेटी अब घर की बोझ नहीं, बल्कि बेटी हमारी संपत्ति के रूप में घर पे रहेगी और उसका पूरा खर्चा अब राज्य सरकार देगी पढ़ाई लिखाई का। डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, वकील बनाइए, पत्रकार बनाइए, जो बनाना है बनाइए। गुरुजी क्रेडिट कार्ड हाथ में रखिए, इंजीनियर डॉक्टर के लिए जो फीस का आवश्यकता होगा वो कार्ड बैंक में लेके जाओ और 15 लाख रुपया तुरंत आपको पढ़ाई के लिए मिल जाएगा। स्कूल को लेकर आप देख रहे हैं, कल कई स्कूल हम लोगों ने बनाया जो इंग्लिश मीडियम के तर्ज पर चलेगा। शिक्षक की भी बहाली हो गई, हम लोग अल्पसंख्यक हॉस्टल को हम लोगों ने नए सिरे से बनाया। और अभी हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है जो कल्याण विभाग का जो हॉस्टल है, छात्रावास है, वो छात्रावास में बच्चा लोग अपना घर से चावल ले जाकर के बनाता था, अब उसको घर में चावल ले जाने का, अब घर से चावल ले जाने का जरूरत नहीं है। अब उस छात्रावास में सरकार उन बच्चों को मुफ्त खाना देने का काम करेगी। खाली उसका काम पढ़ाई पढ़ना है। हमारे समाज के सरोकार रखने वाले मानकी मुंडा गुड़ित नायके जोगमाझी सब लोग, इन लोग का मानदेय को भी हम लोगों ने दुगुना कर दिया। मजबूती से अपने समाज को आप पकड़ के रखिए, बांध के रखिए, और जो इधर उधर करता है उसको दंडित करने का भी काम कीजिए। नहीं तो बहुत बेमान लोग घूमता है। समाज के अंदर में भी जहर डाल करके लोगों को लड़ा झगड़ा करके तबाह किए रहता है। गरीबों को आवाज देने की बात भारत सरकार के सामने नाक रगड़ते रह गए, लेकिन भारत सरकार इस राज्य के गरीबों के लिए आवास का पैसा नहीं दिया। एक बार, दो बार, तीन बार दिल्ली जा जा करके मंत्री से मिला, लेकिन बोला नहीं झारखंड को नहीं देंगे, बल्कि यहां के गरीबों का पैसा बगल में यूपी सरकार को दे दिया। तो हम लोग को भी बोला कि जाओ मत दो, तुम पैसा अपना रखो। आने के बाद हम लोगों ने नया योजना चलाया, अब हुआ आवास योजना, और उसके माध्यम से हम लोग हर वर्ष लोगों को लाखों आवास दे करके अगले 5 साल के अंदर सभी गरीबों को आवास देने का हम लोगों ने अपने ताकत पर बनाने का निर्णय लिया है। लेकिन आज अखबार में एक खबर छपी है, बहुत खूबसूरत खबर छपी है। आज हम सुबह सुबह पढ़े तो हमको लगा अच्छा ये क्या बात है, ये आज नींद टूटा, 3-4 साल के बाद अभी पैसा भेज रहा है अब आवास योजना में। उसको पता चल गया है कि अब कोई उपाय नहीं है। झारखंड का हक अधिकार मांगने से भी अब झारखंड में बैठा लोग उन लोग का राजनीतिक रोटी नहीं पकने देगा। आज आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, शिक्षक, अलग अलग संवर्ग का लोग, पदाधिकारियों का प्रमोशन, सिपाहियों का प्रमोशन, वर्दी पर्दी, क्या क्या हम लोगों ने नहीं किया। आज मंत्री लोगों के यहां, मुख्यमंत्री के यहां प्रोजेक्ट भवन में ढोल लगाड़े अदब अबीर के साथ लोग जाते हैं, ऐसा मंजर कभी नहीं देखा।
बल्कि 2019 के पहले लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भाद भाद करके भूख से मर गया, आम दिन में मर गया। लेकिन कोरोना जैसा महामारी आया, एक भी मजदूर को हमने भूख से नहीं मरने दिया। कैसे? लेकिन आपकी सेवा करते करते हमको भी बहुत बड़ा कहेंगे कि एक बहुत उसका भी कीमत चुकाना पड़ा है। इस कोरोना में हमारे गरीबों को के बीच में बराबर घुस घुस के रहने वाले दो दो मंत्री बेचारे कोरोना के मुंह में चले गए। हाजी हुसैन अंसारी साहब, हमारे जगन्नाथ महतो जी, दोनों को कोरोना निगल गया। हम लोग रात दिन इस काम में लगे रहे कि कोरोना से किसी लोगों को कोई परेशानी नहीं आओ, भूख से किसी की जान ना जाए। तो कई ऐसी चीजें हैं, योजनाओं के बारे में अगर हम गिनाना शुरू करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। और अभी इधर मौसम भी बहुत खराब खराब हो जा रहा है, आप लोग भी बहुत दूर दराज जंगल पहाड़ से आए हैं। अभी दो चार महीना में चुनाव होना है इस राज्य के सरकार का, ध्यान रखिएगा। ये लोग बहुत चतुर हैं, आपने देखा, ये लोग समाज ही नहीं, ये लोग आपका घर भी फोड़ेंगे, घर भी तोड़ेंगे और आपका वोट खराब करवाने का काम करेगा। हम लोग योजना चालू करते हैं, इसका कार्यकर्ता लोग बोलता है ये भारत सरकार दे रहा है, मोदी सरकार दे रहा है। अरे मोदी सरकार तो ऐसा ऐसा चीज दे दिया जो आज के दिन में लोगों को भूखा मरना पड़ रहा है। उन सब बातों को हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन आज आप लोगों का आशीर्वाद, आपका ताकत की आवश्यकता हमें है ताकि आपके लिए और मजबूती से हम काम कर सकें। आज आपका योजना का गठरी बना बना करके हम गांव भेजते हैं, आप लोगों को पेंशन के लिए मैया योजना के लिए ब्लॉक में घूमना पड़ा, किसी पदाधिकारी के पीछे जाना पड़ा, बल्कि लोग आपके दरवाजे में जाकर के आपसे फॉर्म भरवाया, घर बैठे आपको पैसा मिला। चलिए हम बहुत अब बातों को समाप्त करेंगे, हम एक बात जानना चाहते हैं, जोर से आवाज सुनना चाहते हैं महिलाओं से, आप लोग को ये योजना पसंद है? खुशी की आप अडी मौज, बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः सबको जोहार, सभी आंदोलनकारी और शहीदों को मेरा नमन, जोहार।